दोस्तों आज तुहाडे सब नाल मैं जो कुछ बीजेपी की सरकार ने बदलाखोरी की नीति के तहत कल मेरे परिवार से कई जगह के उत्ते छापे मारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों स्पैशल दिल्ली तो जिहड़े हेड ऑफिस तो उन्होंने हदायतां सीगियां सारी टीम्स नूं उहदे बारे थोड़ा जिहा मैं तुहाडे नाल जो तथ ने उहदे बारे तुहाडे नाल चर्चा करना चाहुंदा। पहला तो मैं कहना चाहुंदा शुरुआत में कि बिल्कुल घबराना नहीं गा, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं। इदा दे हज़ारा रेड करके देख लैन, अगर वो समझते ने बीजेपी की सरकार कि इस तरह किसी धमका के या ईडी दे रेड करके या सीबीआई दे रेड करके साड़ी जुबान बंद करा लेंगे, जो असी लोगों के हकूक लिए बोलते हैं या किसान अंदोलन के हक में बोले हाँ या नवरीत सिंह के हुए कतल के मुतलक बोले हाँ या जो तशद्दुद ढाया गया साढ़े पंजाब के नौजवान तबके के उत्ते, चाहे वह नोदीप कौर सी ते चाहे वह शिव कुमार सी ते चाहे वह लखे सिधाने के खिलाफ मुकदमा वा ते चाहे वह दीप सिद्धू फड़ के अंदर दिता, चाहे वह रणजीत सिंह नू किस तरह नाल लंगर चो चक के बीजेपी दे ते आरएसएस दे पेड बदमाशा ने उसनू टॉर्चर किया कुटिया, पुलिस वाले ने उहदे मूँह दे उहदी पग दे उहदी दाढ़ी दे उत्ते पैर रख के उसनू मिदण की कोशिश की, जिस तरह अमेरिका दे विच जॉर्ज फ्लॉयड एक काले नागरिक दे नाल उत्थों दे एक गोरे पुलिस वाले ने किया, जिहड़ा कैंपेन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिहड़ा माई वॉइस अगेंस्ट अट्रोसिटीज अगेंस्ट पुलिस ब्रुटैलिटी अगेंस्ट टॉर्चर अगेंस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन दिस कंट्री ये बंद नहीं होगी, बिल्कुल बंद नहीं होगी। और इदा दे ईडी दे नोटिस उन्होंने कई एक्टर्स तापसी पन्नू या अनुराग कश्यप दलजीत दोसांझ बहुत सारे पंजाब के होर होनहार आर्टिस्ट लोगों ईडी दे बहुत सारे नोटिस इनकम टैक्स दी रेड्स हुई होगी, पर जो कल उन्होंने आके मेरे हकूक के उत्ते डाका मारिया क्योंकि एक पासे पंजाब की विधानसभा का सैशन चल रहा है तो जो सवेरे टीम आई है मैं उन्होंने कहा मैं मैंबर हाँ मैं फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो मैं अपना विधानसभा का सैशन अटेंड करना तो तुम मेरी प्रेमिस मेरी कोठी मेरे घर में जिन्ना मर्जी सर्च करो जी सब के सर्च करो क्योंकि मैं तो कभी कोई मनी लॉन्डरिंग ड्रग मनी ये कोई सर कोई दूर का सरोकार भी नहीं गा, पर वो टीम उन्होंने दिल्लियों दोबारा दोबारा हदायतें आ रही सी टैलीफोन जाके सुनते सी बार उन्होंने साढ़े को मेरे फोन सारे रखाले खोले, मैं क्या घट्टो घट्ट मैंने स्पीकर विधानसभा तो इनफॉर्म कर लें तो यू हैव टू इनफॉर्म हिम के विधानसभा सैशन में है तो तुम मैं इतने विदाउट एनी कोई इस तरह के वॉरंट कि मैं तुम डिटेन कर रहे हो तुम सर्च के वॉरंट्स लैके आए सर्च कर लो, पर उन्होंने मैं विधानसभा में नहीं जान दिता। खैर जो विधानसभा के कल मेरी गैरहाजिरी तो अज विधानसभा के सारिया पार्टिया के आगू ने मैं सारे का बहुत शुक्रगुजार हाँ बहुत निंदा प्रस्ताव पंजाब की विधानसभा इस कल के ईडी के रेड में लेके बदलाखोरी की राजनीति में लेके वो आ रहे हैं। मैं सब का मैं हम नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे मैंबर्स ने मेरे हक में हाँ का नारा मारिया, अज नवजोत सिंह सिद्धू ने और पार्लीमेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ब्रह्म महिंद्रा जी ने तो स्पीकर जिहड़े राणा के पी सिंह है उन्होंने सारे ने कॉग्निजेंस लेके जिहड़ा कमर संधू एम एल ए खरड़ ने रेजोल्यूशन मूव किया उन्होंने बहुत ठोस गल्लां हाउस के ऑन रिकॉर्ड लेके मैं उन्होंने सारे का भी धन्यवाद करता। अकाली दल के भी कल मैंबर्स ने मेरे या बदलाखोरी की राजनीति को कंडेम किया, इस तरह परमिंदर सिंह ढींसा डेमोक्रेटिक अकाली दल मेरे नाल दे एम एल ए बिरमल सिंह खालसा ते जगदेव सिंह कमालू ते कंवर संधू कल सारा दिन इत्थे धुप्पे बाहर गेट के मोहरे खड़ के उन्होंने बहुत मदद साढ़े हक में आवाज़ उठाई। इस तरह ही कुछ ट्रेजरी बेंचेस वालों जिदा कल भी नवजोत सिंह सिद्धू ने शायद मिस्टर चन्नी ने जिहड़े साढ़े टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने गल की, अज मैं सुन रहा सीगा रवनीत बिट्टू ने भी यह कहा वा कि बहुत एक गंदी राजनीति देश में शुरू की गई है। दोस्तों मैं तो सिर्फ ये कहना चाहना कि जिहड़े इल्जाम मेरे ते ला रहे हैं क्योंकि अखबारां जिहड़ियां ने ट्यूटर्ड हुंदियां ने अखबारां ने अज मैं चक्कियां अखबारां सोशल मीडिया तो बहुत इंडिपेंडेंट है तुसीं सारी गल मेरी सुन ली देख ली अखबारां ने फिर लिखा सीगा कि खैराज हाउस रेडिड फॉर मनी लॉन्डरिंग ड्रग ट्रैफिकिंग। मैं तुहानूं कहना चाहना कि साडा परिवार पिछले 50 साल तो पब्लिक लाइफ च पहला मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह वो पंजाब की राजनीति च रहे उस तो बाद मैं आया वहां 50 साल कोई तो कंप्लेंट कर वाला बंदा होगा 3.25 करोड़ आबादी चो कि इन्होंने साढ़े कोई ठगी ठोरी बारी को चलो 50,000 की कंप्लेंट कोई कट के दिखा दें 50 साल किसी तरह का करप्शन का कोई स्कैंडल नथिंग एट ऑल जो कुछ सरकार कर रही समय समय दरकार वो क्योंकि मैं लोगों के हकूक की गल करता बेइंसाफी के खिलाफ बोलता सरकार के खिलाफ बोलता उदो मेरी आवाज़ बंद कराने मनसूबे बना
पहला अकाली दल की सरकार ने मेरे 6-7 पर्चे दर्ज किए, वो वाहेगुरू की कृपा ना सारे हाई कोर्ट ने सारे क्वाश किए। हुण जदों पिछली करंट टेन्योर में मैं राणा गुरजीत सिंह माइनिंग माफिया मिनिस्टर के खिलाफ स्कैंडल के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्होंने इस्तीफा देना पाया, उन्होंने मेरे ते नज़ला सुटते हुए सरकार ने मेरे ते ड्रग्स का एक बहुत बड़ा मामला क्रिएट किया, क्रिएट एब्सोल्युटली फॉल्स फ्रिवलस, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस स्टे करती प्रोसीडिंग्स। हुण जब सुप्रीम कोर्ट दी प्रोसीडिंग्स किसी ड्रग मामले में स्टे ने, यह ईडी का रेड उस ही मामले के दोबारा मेरे घर मेरे पिंड छापामारी की, मेरे चंडीगढ़ घर में की, मेरे सन इन लॉ के दिल्ली के रिहायश में उन्होंने की, उस ही ड्रग्स मामले में कह रहे हैं इनफोर्समेंट डायरेक्टर ने, मैंने नहीं क्या अखबारों को फीड किया कि ड्रग्स के मामले में रेड किया, जबकि इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टे किया है। और मैं कहना चाहता वा कि यह जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है इस वक्त सारे देशव्यापक हो रही है, कहीं मेरे ते नहीं, ठीक है, मेरे ते उन्होंने हरासमेंट की, सर्च किया, वो किया अखबारों च एक विलीफिकेशन ते करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन चलाया, पर जिन्हें लोगों को टॉर्चर किया, जिन्होंने नोदीप वर्गियां दे प्राइवेट पार्ट्स से हमला किया, जिन्होंने फड़ के जेलों में छोड़ दिता, मेरी हमदर्दी उन्होंने नाल भी है, उन्होंने वास्ते मेरी आवाज़ हर वक्त उठती रहेगी। दूसरा मैं कहना चाहना कि पहला आप मनी लॉन्ड्रिंग की गल करिए, मनी लॉन्ड्रिंग मेरे सत्कारयोग वीरों ते भैनों की होंगी है, मनी लॉन्ड्रिंग इस जेडे लोग वड्डे कारपोरेट हाउसेज अमीर आदमी ताकतवर पोलीटिकल आदमी जिन्होंने राज सत्ता भोगी है, वो अपना काला धन विदेशों में भी घुमाते हैं, उन्होंने ऑफशोर अकाउंट्स होंगे ने, बहुत सारे लोगों के स्विट्जरलैंड बैंकों च अकाउंट है, कई बहामास के जिहड़े करेबियन आइलैंड्स आ उतों की ऑफशोर अकाउंट्स घुमा के पैसा उधरों की घुमा के, या दुबई वगैरह जिथे को पुछगिछ नहीं करता, सैकड़े हज़ारा करोड़ों रुपए उन्होंने कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो मेरे खिलाफ जी कल सीजर तो बाद जी रिपोर्ट बनाई जो पंचनामा कहें इल्जाम ला रहे हैं, मेरे घरों दो डायरीज जिड़ियाँ कि मेरी वाइफ ने मेनटेन की अपने बच्चों की शादी की, उद्देश की डिटेल से कि खाने वाले कि पैसा दिता, जे कोई डेकोरेशन आए से उन्होंने कि पैसा दिता, लाइट एंड साउंड वाले कि पैसा दिता, वो सारिया डेयरिया सीज करके ले गए हैं। और दो शादियां मैं कितिया पहला अपनी बेटी की, फिर अपने बेटे की, और वो सारा पर्सनल रिकॉर्ड चक के, और तुम हैरान हो गए, एक वट्सएप मेरी बेटी ने मैनू या मैं भेजे अपनी बेटी को मैसेज सिमर दूँ कि मेरा एक MLA है परमल सिंह भदौड़, उन्हें 3 कैंसर पेशेंट्स की डिटेल मैंने फॉरवर्ड की, क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी कि मैं भी कोई किसान अंदोलन में योगदान पाना चाहनी हूँ, उन्होंने चलो जो दिल्ली पाया वो अलग है, पर कहती होर असं मदद करना चाहते हैं, तो वो जरा 3 कैंसर पेशेंट्स का रिकॉर्ड से वट्सएप चैट सी, जिन्हों परिवारों उन्होंने 20-25 हज़ार रुपया उन्होंने अकाउंट्स में पाया, वो जी उन्होंने अकाउंट डिटेल्स उत्तर लिखा वा कैंसर पेशेंट अकाउंट डिटेल्स, वो भी वट्सएप की चैट बना के मनी लॉन्ड्रिंग पा के वो लेके गए हैं। कई पेजेस के उत्ते लिखा सीगा कि शादी के दौरान कि असी शगन 25 डब्बे लड्डुआ के लैके जाने ने, या काजू की बर्फी लैके जानी, या ड्राई फ्रूट लैके जाना, उसे फिर मेरे साइन कराए, इस दिस मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग मैं कहना चाहना कि उस समय परमात्मा वाहेगुरू तो डर के कहना, मैं सारी जिंदगी कभी कोई गलत काम नहीं किया, जे किया हों तो फिर मैं उन्होंने आवाज़ा सारे पंजाब उठनिया चाहिए सी। सो परसनल मैं अपनी गल कहना चाहता, हालांकि ये फोरम नहीं गा, पर सिर्फ तुहानू दसण वास्ते कि मनी लॉन्ड्रिंग की होंगी है, तो मेरे ते की इल्जाम ला रहे हैं। मैं जो कुछ भी पिछले समय किया सारा कुल मिला के जो अपने जिम्मेवारियां अदा कीतियां एज अ पेरेंट, मेरे ते इस वक्त ऑलमोस्ट कोई 2-2.5 करोड़ रुपए का कर्जा वा, जिहड़े बंदे ते कर्जा वा, और कर्जा ऑन रिकॉर्ड है, मेरिया एग्रीकल्चर जिहड़ी लैंड है साडी उहनू गिरवी रख के बैंकां तो एग्रीकल्चर लिमिट्स बनाईआं होईआं सी, उहदा 10% ब्याज लगता हर साल, हुण 2-2.5 करोड़ नूं 20-25 लाख रुपया ब्याज लगता, मेरे को कई बार ब्याज देण दे पैसे नहीं होंदे, तो मैं अपने दोस्तों मित्रों को रिश्तेदारों को अपनी बेटी या अपने परिवार के मैंबर्स को पैसा फड़ के, तो मैं वह इंट्रस्ट भरदा, जे मेरे को इदा ही पैसा हो पहला तो मैं अपनी लिमिट्स भरा, मैं 20-25 लाख रुपया बैंक में क्यों अदा करा, इस करके उन्होंने कुछ नहीं मिलया। और मेरे पिंड बहुत सारिया सर्चस बहुत बेतुकिया गलों मनी लॉन्ड्रिंग जोड़ के एवं वो अपना डिटेल बना के लै गए, उन्होंने संघ आँदी सी कि हुण असीं की कहांगे कि असीं मनी लॉन्ड्रिंग के आधार उत्ते आए, तो लभ्या की हुण आगी ड्रग्स की गल, ड्रग्स के एक नवे पैसे का उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं सी, एक नवे पैसे का, बट अखबारां लिखी जांदियां ने खैराज हाउस रेडेड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड ड्रग्स। मेरी उस मीडिया में भी मेरी हाथ जोड़ के बेनती कि
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਣ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਧੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ ਨਗਾਰਾ ਏ ਖੁਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਡਰੱਗਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਟਸੈਟਰਾ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਜੱਜਸ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ 'ਚ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਉਹ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਜਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਦਮੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਾਇਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਡਜ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਗਿਵਿੰਗ ਐਨੀ ਅਸਾਈਨਿੰਗ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਔਰ ਐਨੀ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਗਰਤਲਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਕੱਟਿਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਝਰ ਇਨ ਉੜੀਸਾ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਇਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਇਨ ਬਿਹਾਰ, ਐਂਡ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਡਰਾ ਲੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਨੈਵਰ ਐਵਰ। ਸੋ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਨੀਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਘੜਤ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦੀ ਵਰਦੀ ਧਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ? ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਹੇਟ ਮੌਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੋਲਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਫਜ਼ੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੋਪ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਗਰ ਚਾਹਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਡੋ ਨੋਟ ਇੰਡਲਜ ਇਨ ਦਿਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਫ ਵਿਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵਿੰਡੇਟਾ, ਵਿੰਡਿਕਟਿਵਨੈਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ।
धन्यवाद करता, बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।